सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला दिया गया है जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करने वाला है। तो किस तरीके से ये फैसला कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले में अब कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रेगुलर प्रमोशन लेने से मना कर देता है तो उस सरकारी कर्मचारी को आगे का इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के अनुसार कहा गया है कि नियमित पदोन्नतियों के प्रस्ताव को खारिज करने वाले कर्मचारियों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अगस्त 1999 में जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ पाने का हकदार नहीं है। शीर्ष अदालत ने उन मामलों पर विचार करते हुए यह बात कही जिनमें कुछ कर्मचारी 9 अगस्त 1999 के कार्यालय ज्ञापन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि MACP योजना के लाभों का दावा कर रहे हैं। जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि युक्त योजना में उन कर्मचारियों के लिए अगले उच्च वेतनमान तक पदोन्नति का प्रावधान है जिन्हें 12 साल की सेवाओं के बाद पदोन्नति नहीं मिली है और दूसरी पदोन्नति 24 साल की सेवा के बाद स्वीकार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र की याचिकाओं पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर रेगुलर प्रमोशन की पेशकश की जाती है लेकिन कर्मचारी वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले इससे इनकार कर देता है तो वह वित्तीय पदोन्नति का हकदार केवल इसलिए नहीं होंगे कि उसे ठहराव का सामना करना पड़ा है। पीठ ने आगे कहा और ये भी देखा जा सकता है कि जब कोई कर्मचारी प्रस्तावित पदोन्नति से इनकार करता है तो उच्च पद पर काम करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं जो कि प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म देती हैं क्योंकि संबंधित कर्मचारी अक्सर अपनी पद स्थापना की जगह पर बने रहने के लिए अक्सर पदोन्नति से इनकार करते हैं। यानी कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि अपना ट्रांसफ़र होने की वजह से प्रमोशन लेने से इनकार कर देते हैं और वो एक ही पद पर लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसी की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी रेगुलर प्रमोशन लेने से मना कर देता है तो उस कर्मचारी को अब MACP का लाभ भी नहीं मिलेगा और उस कर्मचारी को रेगुलर इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जिसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।